नमस्ते, मैं नोबल हॉस्पिटल से स्वप्निल सिंह बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो दैट इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2024। और नोबल हॉस्पिटल इज द फर्स्ट टाइम ओनली वन हॉस्पिटल इन पुणे दैट इज JCI एग्रीगेटेड एंड यंगेस्ट हॉस्पिटल इन पुणे दैट टू बी NABH एंड ग्रीन OT सर्टिफाइड। आज का जो डे है वो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे करके सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। The theme is what? Theme is to promoting knowledge and capacity building of health and healthcare worker through innovative and impactful training and education on infection control prevention including hand hygiene. तो आज हम देखेंगे कि hand hygiene कैसे important है। हम आज जो awareness कर रहे हैं, जो relatives को, patient को जो awareness कर रहे हैं, तो कैसे important है। तो आज मैं बताना चाहूँ कि इससे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि how हैंड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब है पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तभी उसको इन्फेक्शन होता है, तभी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। ऐसे कैथेटर रिलेटेड है, सेंट्रल लाइन रिलेटेड है, सर्जिकल साइट रिलेटेड है और वेंटिलेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल में आने के बाद होता है। तो सबसे पहले कैथेटर एसोसिएटेड में, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड में, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में और वेंटिलेटर में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज हैंड हाइजीन। इंसर्शन बंडल में और अपने बंडल केयर में भी अपना हैंड हाइजीन इज वेरी इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2024 इस अवसर के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि हैंड हाइजीन किससे, कितने टाइप से, क्या है। हैंड हाइजीन के तीन टाइप्स हैं, दैट इज मेडिकल, सोशल एंड सर्जिकल। जो हॉस्पिटल में हम यूजुअली जो दो फॉलो करते हैं दैट इज मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल जो ये हैंड हाइजीन करते हैं वो हैंड वॉश और हैंड रब से करते हैं, और सर्जिकल एज वेल यूजुअली डूइंग वेयर इन सर्जिकल और सर्जरी और ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो 7 स्टेप्स है जो हैंड रब और हैंड वॉश, हैंड रब के बारे में जो हम 20-30 सेकंड में ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करने चाहिए और हैंड वॉश के जरिए हम 40-60 सेकंड में ये 7 स्टेप्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा भी 5 मोमेंट्स है, ये 7 स्टेप्स और 5 मोमेंट्स है, मतलब हमको कब कब हमारे हाथों की सफाई की जरूरत है तब। फर्स्ट इज अ बिफोर टचिंग अ पेशेंट, सेकंड इज अ बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, सेकंड इज अ आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क एंड आफ्टर टचिंग, फोर्थ वन इज आफ्टर टचिंग पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग, फिफ्थ वन इज आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग एरिया। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कोई एक कलीग को, तो सिविल आपको दिखाएगी कि हैंड हाइजीन के स्टेप्स कैसे करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम मायसेल्फ प्राजक्ता, आई एम आल्सो द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इन नोबल हॉस्पिटल। टुडे आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट अबाउट द स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो जो 7 स्टेप्स है हैंड हाइजीन के, तो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, पाम टू पाम मीन्स सीधा जो भी आपके हैंड से उसको सीधा सीधा करना है। देन बैक ऑफ द पाम, बोथ हैंड्स मीन्स जो आपके बैक ऑफ द साइड रहती है पाम से उसको क्लीन करने के लिए हम बैक ऑफ द पाम करते हैं। देन इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग मीन्स आपको उंगलियों के बीच का जो भाग, ए वाला भाग रहता है उसको क्लीन करने के लिए हम इसको इंटरलेसिंग बोलते हैं। देन इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग मीन्स मुट्ठी बनानी है आपको, आपको जो मुट्ठी बनाते हैं वैसे बोथ हैंड का करना है। देन टिप ऑफ द नेल, जो आपके नेल्स है उसको क्लीन करना है इन रोटेटेड मैनर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ हैंड्स। देन रोटेटेड मोशन ऑफ द थंब, जब भी आप थंब क्लीन कर रहे हैं तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लीन कीजिए, ना कि ऐसे। देन क्लीन अप टू द रिस्ट, आपको जो भी हैंड से अप टू द रिस्ट क्लीन करने है अगर मेडिकल हैंड वॉश कर रहे हैं तो। अगर आपका सर्जिकल हैंड वॉश है तो आपको एल्बो तक क्लीन करना रहेगा। यहाँ पे हमारे 7 स्टेप खत्म होते हैं। हमें यही 7 स्टेप हैंड रब करते वक्त और हैंड वॉश करते वक्त विद सोप एंड वाटर फॉलो करने रहते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर राज कोदरे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर नोबल हॉस्पिटल। 2020 मध्ये संपूर्ण जगाला एक पॅन्डेमिक, कोविड नावाचा एक मानवजातीचा संपूर्ण शत्रू हा उदयाला आला आणि त्याच्यामध्ये खूप लोकांनी आपली बळी घेतली। ऍक्च्युअली खरं ह्या कोविडमध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली की हँड हायजीन, म्हणजे हाताची स्वच्छता ही किती महत्त्वाची आहे।
त्याच्याआधी ही पहिली गोष्ट माहिती होती, पण ती फक्त डॉक्टरांपुरती आणि हॉस्पिटलपुरती माहिती होती. पण हा एखादा जंतू कुठल्या कुठल्या कारणाने माणसाच्या एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करतो आणि त्याच्यासाठी हँड हायजीन हे किती महत्त्वाचं आहे हे आपल्याला कोविडने शिकवलं. आपण जर हात स्वच्छ धुतले नाहीत तर हाताच्या छोट्या छोट्या ज्या आपल्या रेषा आहेत ज्याला आपण आपल्या भाग्य रेषा म्हणतो त्याच्यामध्ये सुद्धा हे व्हायरसेस हे जंतू त्याच्यामध्ये राहतात. आणि ज्यावेळेस आपण एकमेकाला शेक हँड करतो किंवा आपण एकमेकांशी टच करतो तेव्हा आपण तेच जंतू आपण दुसऱ्याच्या शरीराला त्याला पास ऑन करत असतो, त्याला देत असतो आपण. या गोष्टीची माहिती आधी फक्त डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्स यांना होती, पण कोविडमुळे ती संपूर्ण जगाला कळाली आणि त्याच्यामुळे हँड हायजीन आणि सॅनिटायझर याचा वापर आपण करायला सुरुवात केली. फक्त हँड हायजीन ते तेवढंच महत्त्वाचं नाही आहे की फक्त हाताची, तर हाताच्या मनगटापर्यंत जे काही आपले ज्वेलरीज असतील त्याच्यामध्ये तुमच्या हातातल्या अंगठ्या आल्या, हातातलं घड्याळ आलं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये सुद्धा, किंवा तुम्ही जो हातामध्ये मोबाईल वापरता त्या मोबाईलवर सुद्धा हे जंतू पसरलेले असतात. आणि इनडायरेक्टली आपल्या अपरोक्षपणे आपल्याला माहीत नसताना सुद्धा आपण तो एक प्रसाद आपला आजार दुसऱ्याला समोरच्याला देत असतो. त्यासाठी हँड हायजीन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आज नर्सिंग डेच्या या निमित्ताने नोबलमध्ये आपण एक त्याचा अवेअरनेस प्रोग्राम घेतलेला आहे की ज्याच्यामध्ये हँड हायजीन किती महत्त्वाचं आहे आणि ते कशा पद्धतीने करायचं. हँड हायजीनच्या 7 ज्या मोमेंट्स आहेत, 7 पद्धती आहेत कुठल्या प्रकारे आपण हँड हायजीन करायचं त्याचं प्रात्यक्षिक आपण इथे सगळ्या पेशंट्सला आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आपण देत आहोत. त्याच्या जोडीला कधी कधी आपण हँड हायजीन करणं गरजेचं आहे त्याची माहिती आपण देत आहोत की ज्याद्वारे लोकांमध्ये अवेअरनेस येईल आणि नकळतच ते त्यांच्या स्वतःच्या काळजी, स्वतःच्या आरोग्याची काळजी ते स्वतः घेऊ शकतील. यासाठी नोबल हॉस्पिटल, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम आणि नर्सिंग टीम यांनी हा उपक्रम राबवलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सगळ्या पेशंट्सला हँड हायजीन हेच तुमचं पुढचं आरोग्य आहे. आणि याच्यासाठी जर तुम्ही हँड हायजीनवर कॉन्सन्ट्रेट केलं, लक्ष दिलं, तर तुम्ही बरेचसे आजार टाळू शकता आणि आपल्या स्वतःचं आणि आपल्या घरच्यांचं रक्षण करू शकता. एवढंच यातून आम्हाला लोकांना सांगणं गरजेचं आहे. थँक्यू. ये जो आप देख रहे हो दैट इज विजिरब एक्टिविटी मशीन है. तो विजिरब एक्टिविटीज इसमें क्या करते कि हमने कितना हमारा हाथ साफ हुआ है और कितना इफेक्टिव हमारा हाथों की सफाई हुई है. तो अभी एक हमारे मैडम है जो रिलेटिव है, तो ठीक है बिल्कुल, तो इनका हम पहले चेक करेंगे कि विदाउट एनी टेकिंग हैंड रब तो कितना इनका इफेक्टिव है. तो जो देख रहे हैं आप कुछ भी नहीं दिख रहा है, दैट इज व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो दिखेगा, जो आपको दिख कितना आपको वो पता चलता है. तो अभी तो कुछ भी व्हाइट पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी हैंड सैनिटाइज की जरूरत है या हैंड हाइजीन की जरूरत है. तो एक तो हैंड हाइजीन करना है, दैट इज हैंड वॉश और हैंड रब करना है. तो अभी हम हैंड रब लेके मैडम को ऑफर कर रहे हैं. हाँ ठीक है, जो ये जो मैडम ने फॉलो किया दैट इज विदाउट सेवन स्टेप्स, हम देखेंगे कि कितना उनका इफेक्टिव ये स्टेप्स जो उन्होंने किए हैं. ठीक है आप देख रहे हैं कि जितना व्हाइट पोर्शन दिख रहा है उसमें से ये वाला ये सब व्हाइट पोर्शन के ये क्लीन पार्ट है, और जो विदाउट व्हाइट पार्ट है दैट इज अनक्लीन पार्ट दिख रहा है, मतलब उनका इफेक्टिव कितना हुआ है इसमें विजिबल हो रहा है. तो दूसरा पार्ट देखिए, ये देखिए इधर तक आपने हैंड हाइजीन फॉलो नहीं किया. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेवन स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्यूरिंग हेल्थ केयर सेक्टर ऑल्सो इन एज वेल एज सोशल ऑल्सो. तो जब भी आप फॉलो करेंगे तभी आप सेवन स्टेप्स फॉलो करो. हैंड रब जब आप लेते हो तभी 20-30 सेकंड में करो, और हैंड वॉश जब करते हो लिक्विड सोप से या वाटर से तभी आप तो 40-60 सेकंड में आपके सेवन स्टेप्स कंप्लीट हो जाए. थैंक यू.